वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इंस्टेंट मैंगो पिकल। ये साउथ इंडियन का बहुत फेमस डिश है, सो देखते कैसे बनाएंगे। इंस्टेंट मैंगो पिकल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तेल लिया है। ये तिल का तेल है, ये साउथ इंडिया में पिकल बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो ये तेल है, तिल का तेल, सब मैंने आधी कप लिया है। ये थोड़ा सा गर्म करना चाहिए हमें, अभी थोड़ा गर्म करेंगे हम। ये एक महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, नहीं तो फिर गर्मी के मौसम में तो ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं बाहर, ठंड के मौसम में नहीं तो बारिश के मौसम में आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो अभी तेल गर्म हो रहा है, सबसे पहले मैंने सरसों लिया है। ये काला वाला सरसों छोटा वाला है, तो ये मैंने एक टेबलस्पून लिया है। इसी को ये गर्म तेल में थोड़ा सा डालना है। ये डाल के ये ऐसे ही फट के आएगा। उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता लिया है, कड़ी पत्ता ऐसे तोड़ के इसी में डालने से बहुत अच्छे खुशबू आएगा। अभी हमें क्या करना है, ये जो आम मैंने, इसी के लिए आम मैंने खर्दकोस करके रखा है, दो बड़ा आम लिया है, उसको खर्दकोस करके मैंने निकाल के एक घंटे धूप में रखा था। तो इसको मैंने हमें तेल में थोड़ा सा सॉट करना है। ये 5 मिनट तक ऐसे ही सॉट करना है, तभी इसका जो इसका जो पानी है वो निकल जाएगा और ख़राब नहीं होगा। मिलाते रहना है, नहीं तो ऐसे ही नीचे से जल जाएगा। अचार के लिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालते हैं, तो इसलिए मैं और थोड़ा सा डालूँगी। अभी थोड़ा सा सॉल्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा और तेल डालूँगी, अभी ख़राब नहीं होता है। इसको तमिल में मैंगो तोको बोलते हैं। मैंगो तोको बहुत अच्छा होता है, हम रोटी के लिए, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, अचार इसमें चावल के साथ भी खा सकते हैं, तो बहुत टेस्टी होता है। स्पेशली ऐसे वाला मैंगो पिकल शादी में बनता है। अभी 5 मिनट हो गया है, इसका कच्चा स्मेल चले गई। अभी इसी टाइम और आधा कप मैंने तेल लिया है। ये जो आधा कप है मतलब 60 ml, तो 60 ml मैंने डाला था, अभी एक 60 ml डाला है, तो 120 ml मैंने तेल इसमें डाल रही हूँ। तो ये अच्छे से इसको मिलाना है। मिला के इसी में मैंने मेथी और सौंफ, इन दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर निकाला है। तो ये इसको दरदरा पीस के इसी में डालना है, और 1 tablespoon नमक। नमक जैसे टेस्ट है उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं, वैसे मिर्ची भी ऐसे ही डाल सकते हैं। मैंने 1 tablespoon मिर्ची भी लिया है, ये चिली पाउडर, और 1 tablespoon हल्दी, और हींग 1 चम्मच डालना है, छोटी चम्मच, टीस्पून। इसको अभी अच्छे से मिलाएंगे। इसको मिलाते रहना है, तभी अच्छा अच्छे से इसको मिलाएंगे इसको।
अभी इसको सिम में रख के पकाना है। सिम में मतलब मैंने 600 डिग्री में मैंने रखा है इंडक्शन में। अभी मिला दिया अच्छे से। और मैं कम कर रही हूँ, 300 डिग्री कम कर रही हूँ। तो अभी इसको 10 मिनट आसपास ऐसे ही सिम में रख के पकाना है। अभी 10 मिनट हो गया है, इसका तेल भी ऊपर आया है, इसी टाइम हमें बंद करना चाहिए। तो बंद करके ये अच्छे से ठंडा होने के बाद फिर हम ग्लास बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, ठंडा हो गया है। अभी इसको हम क्या करना है, 2-3 दिन धूप में रख के फिर निकालना है, तभी ये अच्छे से और जम जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा है। तो अभी अगर ये रेसिपी आप लोग को पसंद है तो लाइक कर लेना, तो सब्सक्राइब कर लेना, ज़रूर शेयर कर लेना। अगर अभी तक मेरे चैनल को कमेंट नहीं किया है ये रेसिपी को देख के पक्का कमेंट कर लेना। थैंक यू।